हे दोस्तों, ये जो 15 से 16 हज़ार का बजट रेंज है, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव और एग्रेसिव बजट रेंज है। इसमें हर एक कंपनी का एक से बढ़कर एक फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। इसमें से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 5G फ़ोन अंडर 15,000। अगर आप लोगों का बजट है 15 से 16 हज़ार और आप कन्फ्यूज़ हो कौन सा फ़ोन ले कौन सा फ़ोन ना ले, तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो मैं आप लोगों के लेके आया हूँ टॉप 5 हेवी स्मार्टफोन इस वीडियो में, जहाँ पर आपको मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर, हेवी गेमिंग, मल्टीटास्किंग, अच्छा खासा कैमरा क्वालिटी, टॉप नॉच का स्पेसिफिकेशन, हाई रिफ्रेश वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले, टॉप नॉच का डिज़ाइन एंड यूजर इंटरफेस एक्सपीरियंस, टॉप 5 बेस्ट पावरफुल 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बने रहे वीडियो के एंड तक। तो नंबर 5 पे आता है सैमसंग गैलेक्सी F23। तो दोस्तों, अगर आपको 15,000 का बजट में सैमसंग का तगड़ा वाला परफॉर्मेंस के साथ टॉप नॉच का कैमरा क्वालिटी फोन चाहिए, तो आप सैमसंग गैलेक्सी F23 को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 6.6 इंच TFT LCD पैनल मिलेगा, जो कि इन्फिनिटी यू वाली टॉप नॉच डिस्प्ले है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें आपको 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, 3.5mm ऑडियो जैक के सपोर्ट के साथ। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G वाला पावरफुल 5G प्रोसेसर। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 मिलेगा, सैमसंग वन UI 4.1 यूजर एक्सपीरियंस के साथ 5000mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 25W का फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इनबॉक्स आपको कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2MP का माइक्रो लेंस और फ्रंट में आपको मिल जाएगा 8MP का कैमरा। एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो इसमें आपको देखने मिलेगा रैम एक्सपेंशन अप टू 6GB, सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी मिल जाता है, 3 कलर वेरिएंट मिल जाएगा। फाइनली आते हैं प्राइसिंग पे। इसका बेस वेरिएंट 4GB 128GB, इसका प्राइस है 14,999। नंबर 4 पे है इन्फिनिक्स नोट 12 5G। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसमें आपको मिल जाएगा 6.7 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो कि 60Hz पे वर्क करती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाएगा, साथ में मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, 3.5mm ऑडियो जैक। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा MediaTek का डायमेंसिटी 810 पावरफुल 5G प्रोसेसर। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 मिलता है, 5000mAh का पावरफुल बैटरी, जो कि 33W का फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। कैमरा की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50MP का प्राइमरी कैमरा, 2MP का डेप्थ कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा। फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा से आप 2K का तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो इसमें आपको रैम एक्सपेंशन मिलेगा अप टू 3GB, 9 लेयर कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, गेम बूस्टर टेक्नोलॉजी और DTS का डुअल स्टूडियो स्पीकर भी मिल जाएगा आपको। फाइनली आते हैं प्राइसिंग पे। इसका बेस वेरिएंट का प्राइस है 6GB 64GB का प्राइस है 13,990। तो आते हैं आप थर्ड नंबर की फ़ोन की तरफ, जो कि है मोटोरोला का G62 5G। अगर आप 15 से 16 हज़ार के बीच में कोई भी मोटोरोला का तगड़ा वाला फ़ोन चाहते तो आप मोटोरोला G62 को कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा 6.5 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, 3.5mm ऑडियो जैक। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 पावरफुल 5G प्रोसेसर। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 मिलेगा, माई UX पे वर्क करता हुआ आपको देखने को मिलेगा, 5000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि 20W फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। कैमरा की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 50MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का वाइड एंगल कैमरा, 2MP डेप्थ कैमरा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा डुअल स्टूडियो स्पीकर, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, IP52 वाटर रेजिस्टेंट। फाइनली आते हैं इसका प्राइसिंग पे। इसका 6GB 128GB का प्राइसिंग है 15,990 रुपीज़। आप आते हैं नंबर 2 पे, जो कि है वीवो का वीवो T1 5G। अगर आप 15 से 16 हज़ार के बीच में वीवो का कोई बेस्ट फोन ढूंढ रहे हैं तो वीवो T1 आपके लिए बेस्ट है। इसमें आपको देखने को मिला 6.5 इंच का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट, 3.5mm ऑडियो जैक। परफॉर्मेंस की बात करते हैं इसमें आपको मिल जाएगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 पावरफुल 5G प्रोसेसर। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 मिलेगा, फनटच OS में वर्क करती, 5000mAh के बैटरी, जो कि 18W फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। कैमरा की बात करते हैं इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 50MP का प्राइमरी कैमरा, 2MP का डेप्थ और 2MP माइक्रो कैमरा। फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा, 180p में 60fps के वीडियो रिकॉर्डिंग, नाइट मोड, सुपर स्लो मोड देखने को मिलेगा।
एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो इसमें आपको रैम एक्सपेंशन और टर्बो कूलिंग सिस्टम भी मिल जाएगा। बात करें प्राइसिंग की तो इसका 4GB 128GB का प्राइसिंग होगा 15,990 रुपीस। तो फाइनली हम आ चुके हैं नंबर वन स्मार्टफोन की तरफ। तो नंबर वन पे है पोको X4 Pro 5G। तो दोस्तों अगर आपका बजट है 15,000 से 16,000 के बीच में और आप लेना चाहते हैं कि अल्टीमेट फ़ोन कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ के बिना, तो पोको X4 Pro 5G आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर न सिर्फ आपको पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको पावरफुल गेमिंग, हैवी मल्टीटास्किंग, गुड कैमरा क्वालिटी। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते। तो बिना किसी देरी के बात करते हैं पोको X4 Pro 5G की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसमें आपको मिल जाएगा 6.67 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में वर्क करती है। 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा इसमें। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट, 3.5mm ऑडियो जैक। परफॉर्मेंस की बात करते तो इसमें आपको मिल जाएगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 पावरफुल 5G प्रोसेसर। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 मिलेगा, MIUI 13 में वर्क करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। 5000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 67W टर्बो फास्ट चार्जिंग को। कैमरा में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 64MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2MP का माइक्रो कैमरा और फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा फीचर की बात करते इसमें आपको मिल जाएगा डुअल स्टूडियो स्पीकर, लिक्विड कूलिंग सिस्टम, टर्बो रैम एक्सपेंशन, LPDDR4XM का सपोर्ट, UFS 2.0 की सपोर्ट। फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग की। इसका बेस वेरिएंट 6GB 64GB के प्राइस है 15,999 रुपीस। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।